आज के इस अति पावन अवसर पर जब हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये 36वां ज्ञान दीक्षा समारोह यहाँ मृत्युंजय सभागार में मना रहे हैं, इस शुभ अवसर पर मित्रों सबसे पहले तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से, शांति कुंज और गायत्री परिवार की ओर से और गायत्री परिवार के 15 करोड़ परिजनों की ओर से यहाँ उपस्थित उन सभी नवागंतुक नव प्रवेशी विद्यार्थियों को मैं एक भाव भरा धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका इस परिवार में स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अत्यंत प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करके आज के इस दिव्य ज्ञान दीक्षा समारोह के सहभागी बन रहे हैं। भारत में 903 के करीब विश्वविद्यालय हैं और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की संख्या तो लाखों में चली जाती है और उन सभी विश्वविद्यालयों के अंदर सभाओं का, कार्यशालाओं का हिस्सा बन पाने का अवसर लगभग हर एक को मिल पाता है, पर एक परिवार का अंग बन पाने का सौभाग्य, एक ऐसे वैदिक कर्मकांड का अंग बन पाने का सौभाग्य जिसकी शिक्षाओं को आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति का जीवन उन्नति, उत्कर्ष, उत्थान के शिखरों को छूता दिखाई पड़ता है, ऐसे सौभाग्य को प्राप्त कर पाने का अवसर विरलों को ही मिल पाता है और आप में से प्रत्येक के अंदर मानवीय पुरुषार्थ की उस अंतिम संभावना को, उस उच्चतम संभावना के शिखर को छूने का जो भाव, पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल और अवसर आपके अंदर विद्यमान है, उस अवसर से आपको परिचित कराने का जो पर्व है वो ज्ञान दीक्षा का पर्व है और उसी विषय में कुछ बातें आज आपसे करना चाहता हूँ। बाहर की दृष्टि से देखें तो सामान्य सा अवसर है, कोई आपसे पूछे कि आप लोग क्यों यहाँ पर उपस्थित हैं तो कारण स्पष्ट है कि ये विश्वविद्यालय की आपकी यात्रा का पहला दिन है, इसलिए आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बाहर की दृष्टि से ये कारण सही, आयोजन की दृष्टि से सही उत्तर है, पर ईश्वरीय अभियान की दृष्टि से आपकी यहाँ उपस्थिति के पीछे का कारण, बल्कि भगवान महाकाल के, माँ गायत्री के, गुरुदेव माता जी के आपको यहाँ खींच लाए जाने के पीछे का उद्देश्य, और सिर्फ आप ही के नहीं, जो विद्यार्थियाँ पहले से उपस्थित हैं, जो अभिभावक हैं, जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर अन्य जगहों से आए हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी कारण से या किसी भी बहाने से आज इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के और शांति कुंज के परिसर में उपस्थित हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सब के यहाँ पर खींच करके लाए जाने के पीछे का उद्देश्य कुछ ज़्यादा पवित्र, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वो उद्देश्य हमारी वैयक्तिक चेतना को उस ईश्वरीय संकल्प के साथ जोड़ देना है, जिसको कि हम लोग युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान के नाम से जानते हैं, जिससे जुड़ जाने के बाद नर को नारायण बनते, मानव को माधव बनते, नरेंद्र को विवेकानंद बनते, शूद्र को महान बनते, नाचीज को अवतार बनते देर नहीं लगते। रॉकेट में बहुत ताकत होती है, बहुत ऊपर जा सकता है पर लिफ्ट ऑफ करना पड़ता है, तोप में भी बहुत ताकत होती है पर उसको इग्नाइट करना पड़ता है, जो बल्ब हम लोगों को प्रकाश देता है उसमें बहुत क्षमता होती है कि बहुत प्रकाश दे सकता है पर प्लग इन करना पड़ता है, वैसे ही संभावनाएं आपके अंदर अनंत हैं, अपरिमित हैं, पर उसके लिए आपकी चेतना को भगवान की चेतना के साथ प्लग इन करना जरूरी हो जाता है और ज्ञान दीक्षा का पर्व आपकी चेतना को उस परमात्मा के संकल्प के साथ प्लग इन करने का पर्व है। उद्देश्य यही है दोस्तों कि इंसान के अंदर जो संभावनाएँ हैं वो सौभाग्य में बदल सकें। ज्ञान दीक्षा का उद्देश्य आप में से हरेक को आपके अंदर छुपी ईश्वरीय संभावना से परिचित कराना है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आज आप लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। आदमी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो लेने के लिए जाता है, सब्जी खरीदनी होती है तो आप घर से जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाता है तो आप जाते हो, पर भगवान के द्वार पर आप जाते नहीं हो, भगवान के द्वार पर आप बुलाए जाते हो और आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान के द्वार पर आज बुलाया गया है। गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में, सप्त ऋषियों की तपोभूमि में, ऐसे स्थान पर आ पाने का सौभाग्य तब व्यक्ति के जीवन में आता है जब जन्म जन्मांतर के पुण्य फलित होते हैं और यहाँ पर व्यक्ति आए तो एक अच्छे भाव को लेकर के जाए। आज आप में से प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो इस सत्य को आज महसूस करे या आज से 100 वर्ष बाद महसूस करे, पर सत्य ही है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर खींच करके लाया गया है, बुलाया गया है, हमारे पुण्यों को देखकर, प्रारब्ध को देखकर, संस्कार को देखकर, कर्म को देखकर हर व्यक्ति को आज यहाँ पर बुलाया गया है। और इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जिन परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है ये परिस्थितियाँ बड़ी भीषण, भयावह हैं,
इनको गुरुदेव ने युग परिवर्तन का समय कहकर के पुकारा, युग विभीषिका का समय कहकर के पुकारा, और इसलिए कहकर के पुकारा क्योंकि इन परिस्थितियों में या तो मानवता का मरण संभव है या फिर मानवता का पुनर्जीवन होना जरूरी हो जाता है। आप कल्पना करके देखो कि यदि एक पागल व्यक्ति के हाथ में दुनिया के सारे परमाणु आयुधों की चाबी लग जाए, उसके हाथ में सारा जखीरा जितना भी है उसको एक माचिस की तीली दे दी जाए और ये सारा का सारा अधिकार उसको मिल जाए, तो इस मानवता के अस्तित्व को समाप्त होते देर नहीं लगेगी। व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट हो सकता है, राष्ट्रों की नींवें हिल सकते हैं, संस्कृति सभ्यता बेजान और पूरी तरह से वीरान हो सकते हैं। ये भी संभव है कि जो हजारों वर्षों की सभ्यता है, हजारों वर्षों का इतिहास है, जिसको हम मानवता के नाम से जानते हैं, मनुष्यता के नाम से जानते हैं, वो क्षण भर में तबाह हो जाए और मानवता की अर्थी को सहारा देने के लिए कोई कंधा भी शेष न रहे। एक संभावना तो ये है, और एक संभावना यह है कि हम में से प्रत्येक के अंदर के देवता को जागना पड़ेगा, हम में से प्रत्येक के अंदर के गुरुदेव को, विवेकानंद को जागना पड़ेगा। इन दो के अलावा तीसरी संभावना अवशेष नहीं। सृष्टि के प्रश्न पत्र में तीसरा ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है। ये अब MCQ का पेपर नहीं है, अब ये ट्रू और फॉल्स का रह गया है, करो या मरो। आपने को इन दो में से किसी एक संभावना को चुनने के लिए आज बाध्य होना पड़ेगा, और ऐसे चयन परमात्मा ऐसे ही स्थानों पर कराते हैं। कबीर दास जी ने लिखा है कि गुरु धोबी शीश कापड़ा, गुरु है वो धोबी है, शिष्य कपड़ा है, साबुन सृजनहार, भगवान जो है वो साबुन है। सुरति शिला पर धोइए, जब अच्छी जगह पर आकर के धुलाई होती है, निकले ज्योति अपार, तब अंदर से प्रकाश निकल करके आता है। अंदर से प्रकाश को निकालने के लिए, अंदर से ज्ञान का अभ्युदय करने के लिए, अंदर से दीक्षा की उस भाव को पैदा करने के लिए जिसके लिए शिष्य शिष्यत्व को ग्रहण करता है, भक्त जो है साधना के पथ का चयन करता है, इंसान अपने परिष्कार के पथ का चयन करता है, वो करने के लिए व्यक्ति को ऐसे शुभ स्थानों पर आना पड़ता है। और आज की परिस्थितियाँ करो या मरो की परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि जिंदगी जीने के हजारों तरीके हैं, आदमी अनेकों तरीके से मर सकता है। अमरता लिखा करके तो कोई आया नहीं, यहाँ जो आया है उसको जाना पड़ता है, और जाने के लिए सुसाइड भी तरीका है, हार्ट अटैक भी तरीका है, एक्सीडेंट भी तरीका है। मरने के तरीके हजारों हैं, पर जो उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीवन जी करके जाते हैं उनका नाम भगत सिंह हो जाता है, जो उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीवन जी करके जाते हैं उनका नाम विवेकानंद हो जाता है। मरने के लिए तो एक बैक्टीरिया भी इंसान की ज़िंदगी ले सकता है, पर जो ज़िंदगी जीना जानते हैं वो ज़िंदगी के हर क्षण को उत्सव में बदल देते हैं। मैं यही कहूँगा कि ज्ञान दीक्षा का अवसर हम में से प्रत्येक की जो बिजी ज़िंदगी चल रही है उसमें से एक क्षण अपने स्वयं के जीवन के मूल्यांकन के लिए निकालने का है, कि हम रुक कर ठहर कर के सोचें और अपने आप से पूछें कि जीवन जा कहाँ रहा है, कर क्या रहे हैं, हम लोग किस उद्देश्य को पाना चाहते हैं। ज्ञान दीक्षा का अवसर इसलिए नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे और इन वैदिक कर्मकांड का हिस्सा हुए, मंत्रों को दोहराया, उन्हीं बातों को करके अपने घर को गए। उद्देश्य है कि अपने अपने व्यस्ततम जीवन में से एक क्षण निकाल करके आदमी आत्मसमीक्षा करे, आत्म मूल्यांकन करे, जीवन की प्रगति का एक अंदाजा ले कि जा कहाँ रहे, और ये सोच करके यहाँ से जाए कि अब तक की जिंदगी अलग, बाहर की जिंदगी अलग। यहाँ से निकले तो जीवन में शुभ संकल्पों का उदय हो, शुभ भावों का उदय हो, शुभ चिंतन का उदय हो, ये सोचें कि इस राष्ट्र को बदलने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं। मात्र सपने आदमी की जिंदगी को नहीं बदलते, आदमी को बदलने के लिए हौसलों की आवश्यकता होती है। अंत में बस एक छोटा सा शेर सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करूँगा, क्योंकि समय बहुत अल्प है। किसी ने लिखा है, मंजिलें मिलती हैं उनको जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें मिलती हैं उनको जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसले हों तो फिर आदमी की ज़िंदगी ऊंचाइयों को छूती है। पंख हरेक के पास हैं, पर आज ज्ञान दीक्षा के इस अवसर पर हौसला लेकर के जाइए, संकल्प लेकर के जाइए, संघर्ष साहस लेकर के जाइए, तो ज़िंदगी सौभाग्य में बदलती है। परमात्मा करे कि आप में से प्रत्येक का जीवन सौभाग्य के शिखर को छुए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।